राजधानी भोपाल में डीजे बजाने के लिए परमिशन लेना जरूरी होगा। शादी में दो घंटे ही डीजे बजा सकेंगे और सुबह 6 से रात 10 बजे के बीच लाउड स्पीकर बजाने की अनुमति रहेगी। एसडीएम और तहसीलदार से परमिशन लेना इसके लिए जरूरी रहेगा। भोपाल कलेक्टर अविनाश लवनिया ने ये आदेश जारी किए हैं और हर क्षेत्र में प्रशासन की टीम मॉनिटरिंग करेगी। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रशासन ने अहम आदेश जारी किया है। इस आदेश के मुताबिक अब राजधानी भोपाल में शादी या अन्य समारोह में सिर्फ दो घंटे ही डीजे बजा सकेंगे। प्रशासन के इस आदेश की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी एसडीएम को सौंपी गई है। आपको बता दें कि प्रशासन ने कहा है कि भोपाल में सुबह 6 से रात 10 बजे तक ही लाउड स्पीकर बजाने की अनुमति मिलेगी। ऐसे में कोई भी संगीत कार्यक्रम, शादी समारोह, अन्य समारोह में सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक ही डीजे बजा सकेंगे और भोपाल कलेक्टर अविनाश लावनिया ने आदेश जारी किया है। और इस पूरी खबर पर हमारे संवाददाता आकर्ष शर्मा भोपाल से जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करेंगे। आकर्ष, शादियों का सीजन जो है शुरू हो चुका है, ऐसा नहीं है कि हमेशा मैरिज हॉल या फिर बैंकेट हॉल के अंदर ही जो है ये शादियां होती है, गार्डन में शादियां होती है, लोग घरों में भी कोई ना कोई छोटा मोटा फंक्शन करते ही हैं। ऐसे में लोगों को परेशानी तो होगी ही, लेकिन हाँ, ध्वनि प्रदूषण से थोड़ी निजात मिलेगी, क्या कहेंगे आप? शायद आपने सही कहा, शांति व्यवस्था और वायु प्रदूषण को देखते हुए ये फैसला लिया है भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने कि रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक जो है डीजे और जो लाउड स्पीकर हैं उनकी बजाने पर ना ही रहेगी, मतलब उस समय तो परमिशन मिलेगी ही नहीं, लेकिन यदि आप दिन में भी परमिशन लेते हैं तो इसको लेकर आपको बाकायदा एसडीएम और तहसीलदार से लिखित आवेदन देकर अनुमति लेनी होगी। ये आदेश भोपाल कलेक्टर ने जारी किए हैं। इसके मुताबिक ये हम कह सकते हैं कि कोरोना काल में जितनी भी पाबंदियां थी वो खत्म कर दी गई हैं, लेकिन नए आदेश भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने ये जारी किया है कि अब डीजे या फिर लाउड स्पीकर या फिर कोई भी आप कार्यक्रम इस तरीके से करते हैं जिसमें वायु, जिसमें हम कह सकते हैं कि इस तरीके के जो ध्वनि विदारक यंत्र जो हैं उनको लेकर आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। शांति व्यवस्था रात में, खासकर शांति व्यवस्था भोपाल की ना बिगड़े और वायु प्रदूषण को देखते हुए ये फैसला कहीं ना कहीं भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया लिया, और कहीं ना कहीं कोरोना को भी ध्यान में रखकर हम कह सकते हैं, क्योंकि डीजे में हम देखते हैं जिस तरीके सोशल डिस्टेंसिंग बिगड़ती है और देर रात तक जिस तरीके से पार्टी वाला माहौल बना रहता है, इसी के कारण दोनों तीनों कारण मानते हुए भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने आदेश जारी किया है। और इसमें खासतौर पर मैरिज गार्डन या फिर जो भी शादी समारोह आयोजित कर रहे हैं यदि वो नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हम कह सकते हैं उन पर सख्त कार्रवाई भी की जा सकती है। आकर्ष, आपका धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो आदेश के मुताबिक डीजे लाउड स्पीकर बजाने के लिए एसडीएम और तहसीलदार से परमिशन लेना जरूरी होगा। चाहे आप दिन में भी ये डीजे बजाना चाहे या लाउड स्पीकर लगाना चाहे तो इसके लिए इजाजत लेनी होगी। यदि कोई व्यक्ति इजाजत नहीं लेता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और आपको ये भी बता दें कि डीजे बजाने की अनुमति मैरिज गार्डन, होटल हॉल या कार्यक्रम परिसर में ही दी जाएगी।